आज जो स्थिति है उस स्थिति में मात्र बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ही पूरे देश में समाजवादी विचारधारा को जिंदा रखने का काम किए हैं। समाजवादी विचारधारा जो स्थापित संस्थापक नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे, लोहिया जी के सिद्धांतों पर आज जो तथाकथित कुछ लोग समाजवादी नेता अपने आप को कहते हैं वो बिल्कुल ही अलग हो गए हैं उनसे और समाजवादी विचारधारा की धज्जी उड़ा रहे हैं। चाहे मुलायम सिंह यादव जी का परिवार हो, चाहे लालू यादव जी का परिवार हो, हर एक लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं और निजी संपत्ति अटूट संपत्ति अर्जित कर रहे हैं, परिवारवाद में शामिल हो रहे हैं, अपने परिवार को बढ़ाने और आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि नीतीश कुमार मात्र वैसे समाजवादी नेता हैं जो डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर के सिद्धांतों को 100% अपनाने का काम किया। डॉक्टर लोहिया ने कहा था संपत्ति अर्जित करो लेकिन देश और प्रदेश के लिए, निजी संपत्ति अर्जित करना यह समाजवादी सिद्धांत के विरोध में। साथियों, जहाँ तक नीतीश कुमार की बात है, डॉक्टर लोहिया के सिद्धांतों को मानते हुए उन्होंने नारी सशक्तिकरण बिहार में बड़ा तेजी से लागू किया और नारी सशक्तिकरण ही नहीं बल्कि नारी को मजबूत करने के लिए, उनको समानता में लाने के लिए उनके लिए 35% सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया। पंचायतों में और वार्ड में नगर निकायों में महिलाओं को आरक्षित सीट देने का काम किया है। पैक्स में महिलाओं के लिए सुरक्षित सीट करने का काम किया। साथियों, नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काफ़ी योजनाएं चलाई हैं। अल्पसंख्यक के विकास के लिए डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि अल्पसंख्यक और दलित वर्ग और पिछड़ा वर्ग जब तक इन लोगों को समान अवसर नहीं मिलेगा प्रदेश और देश की तरक्की संभव नहीं। सिद्धांतों को मानते हुए नीतीश कुमार जी ने इन सारे मामलों पर, इन सारे सिद्धांतों को अमल में लाकर इनके लिए, इनके कल्याण के लिए जो योजना चलाई वो आज बना हुआ। आज साथियों, दलितों का सवाल हो या पिछड़ों का सवाल हो या अति पिछड़ों का सवाल हो या अल्पसंख्यकों का सवाल हो या महिलाओं का सवाल हो या सवर्ण में गरीब लोगों का सवाल हो, सभी लोगों के लिए नीतीश कुमार न्याय के साथ सभी वर्गों के विकास की बात करते हैं। साथियों, हमारे यहाँ बिहार में जो अपने आप को समाजवादी नेता कहते हैं लालू प्रसाद यादव, लालू प्रसाद यादव ने जब तक वो राजनीति में सक्रिय थे, मुझे याद है साथियों, मैं कर्पूरी ठाकुर के सानिध्य में राजनीति में आया। कर्पूरी ठाकुर एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने पिछड़ों को ही सम्मान नहीं दिलाया, उन्होंने गरीबों को सम्मान दिया, गरीबों के हकूक के लिए जिंदगी भर लड़ते रहे। कर्पूरी ठाकुर को अगर किसी एक व्यक्ति ने पूरे बिहार में घूम घूम कर गाली देने का काम किया था वो है लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव जब लोक दल चुनाव में गए तो कर्पूरी ठाकुर ने अलग दल बनाया था लोक दल को, उस समय पूरे बिहार में लालू यादव गाली बकने का काम कर्पूरी ठाकुर किया करते थे और सोनपुर विधानसभा से चुनाव लड़ने की चुनौती दिया करते थे। साथियों, आज कर्पूरी ठाकुर नहीं है लेकिन कर्पूरी ठाकुर के नाम पर राजनीति ये लोग करने का काम करते हैं। कर्पूरी ठाकुर अगर जीवित रहते तो ऐसे लोग शायद राजनीति में पनपते नहीं। लालू यादव ने अपने स्वजातीय समाजवादी नेताओं को एक तरफ से किनारे करने का काम किया। लालू यादव ने बाबूराम अभय सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता, रामदेव सिंह यादव जैसे समाजवादी नेता और विनायक यादव जैसे समाजवादी नेता, अनुप लाल यादव जैसे समाजवादी नेता
मुंशी लाल राय जैसे समाजवादी नेता, हुकुम देव नारायण जैसे समाजवादी नेताओं को दरकिनार कर और उन लोगों की राजनीतिक हत्या, एक तरह से कहिए कि राजनीति में उन लोगों का जड़ समाप्त कर अपने आप को उभारने का काम किया है। लालू यादव और उनके राष्ट्रीय जनता दल में कहीं भी समाजवाद का एक निशान नहीं आता है। लालू यादव और राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में अग्रों पिछड़ों को लड़ाकर और सामाजिक न्याय की बात कही, जबकि हिंदू मुसलमानों को संप्रदायिक तनाव की स्थिति पैदा कर सद्भावना की बात उन्होंने किया है। लेकिन वास्तविकता यह है कि इन मामलों पर अगर किसी ने, एक व्यक्ति ने काम किया है तो वह नेता नीतीश कुमार जी ने सामाजिक समरसता की बात की, समाज में सभी वर्गों के साथ न्याय के साथ विकास की बात की, समाज में सभी भाईचारा में रहे, सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहे, पूरे बिहार और पूरे देश में अमन चैन शांति रहे, इसके लिए उन्होंने प्रयास किया है। साथियों, दोनों में काफ़ी अंतर है। ऐसे परिस्थिति में हमें आपको सोचना होगा, बिहार की जनता को सोचना होगा, अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों को सोचना होगा कि सिर्फ वोट की राजनीति कर आपको बहका कर फुसला कर वोट लेने का काम करते हैं, लेकिन आपके हितों के लिए, आपके कल्याण के लिए किसी एक व्यक्ति, किसी एक सरकार ने किया तो वह है नीतीश कुमार के नेतृत्व में गठित बिहार सरकार ने किया है। आज अल्पसंख्यकों का ब्लॉक स्तर से लेकर राज्य स्तर तक बिहार में अलग अल्पसंख्यक पदाधिकारी की नियुक्ति हुई है, अल्पसंख्यक योजनाओं का अलग विभाग वो क्रियान्वित कर रहा है, सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी हो रही है, एक से एक अल्पसंख्यक का वजीफा योजना चल रहा है, अल्पसंख्यक वित्त निगम के माध्यम से उद्योग का व्यवसाय खड़े करने के लिए सरकार की ओर से पैसे दिए जा रहे हैं। साथियों, ऐसे वक्त पर जब आज जो है हाहाकार चारों ओर मचा है, मात्र एक विकल्प है सब लोगों के सामने नीतीश कुमार जी नजर आते हैं। साथियों, नीतीश कुमार को ठीक तब कर लोहिया की तरह ही वह परिस्थिति है, जब डॉक्टर लोहिया लड़ते थे गरीबों के लिए तो गाली सुनने का काम करते थे, आज कुछ सामंती ताकतों द्वारा नीतीश कुमार जी जैसे लोगों को गाली देने का काम किया जा रहा है, जो बहुत ही निंदनीय है। ऐसे लोगों का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। आज नीतीश कुमार NDA के साथ हैं, आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है। कर्पूरी ठाकुर ने कहा था, डॉक्टर लोहिया ने भी कहा था, सरकार किसी गठबंधन के साथ बने लेकिन गरीबों के कल्याण के लिए। आज ये गरीबों के कल्याण के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित है। ठीक इसके विपरीत जब राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में शासन था, उस समय पूरे आर्थिक जगत पर माफियाओं ने कब्जा कर लिया, पूरे बिहार में हाहाकार था, विधि व्यवस्था चौपट हो चुकी थी, आतंक राज और जंगल राज कायम हो गया था। उसको उखाड़ फेंकने के लिए नीतीश कुमार जी ने ही संकल्प लिया और तमाम उस समय के विपक्ष को एकजुट कर एक साथ लाकर उखाड़ फेंकने का काम किया है। पुनः महागठबंधन बनाकर जब नीतीश जी के चेहरे पर राष्ट्रीय जनता दल भी पनप गई, राष्ट्रीय जनता दल के जो विरासत में, जो वंश के आधार पर, परिवार के आधार पर राजनीति मिली, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने, आज उनको अहंकार घमंड हो गया, क्या पूरा जनाधार मेरा है। साथियों, जनाधार किसी का होता नहीं है, जनाधार बदलता है, घटता है। वो परिस्थिति माहौल था जो कुछ लोगों को गुमराह करके विभोग की राजनीति इन लोगों ने किया था। आज नीतीश कुमार जी के नाम पर 80 विधायक राष्ट्रीय जनता दल के हैं, उनके चेहरे के आधार पर हैं, आने वाले विधानसभा चुनाव में ये पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे। लालू यादव 20 विधायक पिछले विधानसभा में थे, लालू यादव के राष्ट्रीय जनता दल के, पुनः मैं समझता हूँ कि 20 विधायकों से भी संख्या इनकी घटेगी और NDA अपार बहुमत के साथ नीतीश कुमार के नेतृत्व में पुनः सरकार आगामी विधानसभा चुनाव में 2020 में बनाएगी, यह बात है। और आज डॉक्टर लोहिया और कर्पूरी ठाकुर, चाहे लोकनायक जयप्रकाश जी हों, ये तमाम समाजवादी नेता
जो बिहार से जुड़े हुए रहे, इनके कल्पनाओं को, इनके सपनों को साकार करने के लिए नीतीश कुमार जी आगे बढ़ चढ़ करके काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे वक्त में हम तमाम लोगों को एकजुटता के साथ नीतीश कुमार के साथ खड़ा होना चाहिए और नीतीश कुमार की मजबूती के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अपील करता हूं कि बिहार ही नहीं पूरे देश में नीतीश कुमार की जो छवि बनी है उस छवि के आधार पर नीतीश कुमार को मान सम्मान के साथ, उनके हर एक विचारधारा के साथ हम लोग एकजुटता के साथ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं नीतीश कुमार एक व्यक्ति नहीं एक विचार बनकर उभर कर आए हैं, इन्हें हम लोग सहयोग और मदद करते रहें। धन्यवाद।